किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी में आपका स्वागत है। मेरे किसान साथियों, आज ऐसी वैरायटी की हम बात करने जा रहे हैं जो सिमनी कंपनी की मेघा है। सिमनी कंपनी की मेघा का क्या खासियत है, क्या हम इसको लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है और कितने दिन में यह परिपक्व होती है, कितना वजन पकड़ती है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ। मेरे किसान साथियों, अगर इसकी बात कर लें तो अगर इसकी बात करें हम उत्पादन के क्षेत्र में कि क्या इसका उत्पादन होता है, तो उत्पादन ये लगभग 800 ग्राम से लेकर 1 kg 1.25 kg तक ये उत्पादन देने की कगार पे होती है। मतलब इतना उत्पादन ये दे देती है, जो कि सिमनी कंपनी की मेघा वैरायटी। अगर हम उसका कलर की बात करें तो कलर लगभग वाइट कलर का होता है और अर्ध गुंबद आकार का होता है, और जो अर्ध खड़ा जो पौधे का प्रकार होता है कि मतलब पौधा खड़ा होता है, मर्द अर्ध खड़ा होता है, आधा झुका होता है और आधा खड़ा होता है, उसकी ये प्रकार होती है। रंग उसका बिल्कुल सफ़ेद होता है। अगर उसका जो अगर हम बात कर लेते हैं परिपक्व कितने दिन में होगी, मतलब हार्वेस्टिंग कितने दिन में हम उसकी कर सकते हैं, तो लगभग 70-80 दिन के अंदर हम इस वैरायटी का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। फूलगोभी के उगाने के लिए टिप्स जो हैं, अगर इस फूलगोभी को अगर आप उगाना चाहते हैं तो कैसे उगाएंगे, तो अगर मिट्टी की बात करें तो हम मिट्टी दोमट तथा बलुई मिट्टी में उपयुक्त माना जाता है इसको। अगर हम मिट्टी की अगर बात करें तो जिसके लिए सबसे बेहतर मिट्टी यही है। बुआई तो अपने क्षेत्र के अनुसार चुन सकते हैं, लेकिन लगभग ठंडी के दिन में ही इसकी बुआई की जाती है। मतलब सितंबर महीने से सितंबर अक्टूबर महीने में इसकी आप नर्सरी डाल सकते हैं। सितंबर अक्टूबर नवंबर महीने तक, मतलब ये तीनों महीने में अगर हम बात करें तो इसकी नर्सरी डालना सबसे बेहतर होता है। बीज की अगर दर की बात करें तो बीज की दर मेरे किसान साथियों लगभग 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज लगता है। अगर परिपक्व होने की अब बात करें, पत्तियों से परिपक्व जो हमने आपको बताया हूँ 70-80 दिन में यह परिपक्व होती है। अगर लाइन बात करें तो 60 सेंटीमीटर, मतलब पत्ती लाइनों से लाइनों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होना चाहिए और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 45 सेंटी होना चाहिए। लेकिन मेरे किसान साथियों, अब आप अपनी स्टाइल में लगाएंगे, अगर सही उत्पादन लेना चाहते हैं तो लाइनों से लाइनों के बीच की दूरी भी आप कम से कम 45 ही करें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी 45 करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मेरे किसान साथियों, खेत की तैयारी आप अच्छी तरह करा लें, गहरी जुताई करा लें, पाटा चला लें, अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 60-80 टन प्रति एकड़ में डालें और उसके बाद मिट्टी की अच्छी तरह से मिला दें। आवश्यक दूरी रखें, मेढ़ों में खांचा खोलें, रोपाई से पहले रासायनिक उर्वरक में बेसल डोज की खुराक डालें। रोपाई के एक दिन पहले खेत में सिंचाई करने से जानते हैं मेरे किसान साथियों क्या होता है, होता यह है कि जो मिट्टी होती है ना, एक प्रकार से एक दिन या दो दिन पहले सिंचाई कर देंगे, थोड़ा सा धूप लगेगा, उसके बाद मिट्टी फरहर हो जाएगी, फिर आप रोपाई करेंगे तो पानी कम देना पड़ेगा। पौधे रोपण के लिए आवश्यक दूरी पर गड्ढा बना लें, मतलब रोपाई के लिए गड्ढा मारते जाएं छोटे छोटे जहाँ पर रोपाई करना है, और उसके बाद आप दोपहर के बाद आप रोपाई इसकी कर सकते हैं। मतलब दोपहर के पहले थोड़ा धूप लगता है, 2-3 बजे के बाद रोपाई करेंगे, फिर रात भर में पौधा आपका चल देगा, पकड़ लेगा। अगर हम रासायनिक खाद की बात करते हैं तो पहली खुराक में रोपाई के 6 से 8 दिन बाद 50-50-50-60 MPK किग्रा एकड़, मतलब प्रति किग्रा एकड़ के हिसाब से ड्रिंचिंग द्वारा या पानी के द्वारा आप दे सकते हैं, ड्रिप के द्वारा दे सकते हैं। दूसरी खुराक की अगर बात करें तो 20 से 25 दिन बाद हम 25-50-60 MPK प्रति एकड़ के हिसाब से 1 किग्रा हम इसको ड्रिंचिंग या पानी के बाद दे सकते हैं। अगर तीसरी खुराक की बात करें तो तीसरी खुराक हमें लगभग 20 से 25 दिन देने के बाद, फिर जब 20 से 25 दिन हो जा रहा है तो 25 MPK
आपको देना चाहिए। ड्रिंचिंग के माध्यम होता है, आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। मेरे किसान साथी में एक जो वैरायटी है बहुत ही अच्छी वैरायटी है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा उत्पादन भी ले सकते हैं।